जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो स्टार्टिंग में मैंने क्ले पॉट यूज़ किए, मतलब मिट्टी के पॉट। उसके बाद सीमेंट के ट्राई किए, फिर सेरामिक के और लास्ट में प्लास्टिक के। वैसे तो प्लांट्स इन सभी पॉट्स में ग्रो हो जाते हैं, लेकिन किसी पॉट में स्मूदली गार्डनिंग हो जाती है और किसी पॉट में थोड़ा एफर्ट देना पड़ता है। हर एक पॉट के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि इन सारे पॉट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट। मिट्टी के पॉट प्लांट्स की हेल्थ के लिए बेस्ट होते हैं क्योंकि इनमें एयर पास होती है। जब एटमॉस्फेयर की, मतलब बाहर की एयर, जब पॉट के अंदर जाती है तो रूट्स को ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। इसी रीजन से हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं। मिट्टी के पॉट का एक और बेनिफिट है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अगर कभी पॉट में ओवर वाटरिंग हो जाती है तो एक्सेस वाटर तो ड्रेन होल से निकल जाता है, लेकिन जो मिट्टी दलदली यानी कि कीचड़ हो चुकी है उसे ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने क्ले पॉट लिया है तो मिट्टी के एक्सेस मॉइस्चर को ये पॉट एब्जॉर्ब कर लेता है और इसलिए आपका प्लांट ओवर वाटरिंग से बच जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि सॉइल में फंगस लग जाती है या एक ग्रीन कलर की काई जैसे जमने लगती है। ये प्लास्टिक, सेरेमिक और सीमेंट के पॉट में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन मिट्टी के पॉट में ये बहुत रेयर होता है। क्ले पॉट का बस एक ही डिमेरिट है और वो ये है कि ये बहुत नाजुक होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं। एक ठोकर लगती है और ये टूट जाते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी और छत पे हम लोग जब गेम्स खेलते थे, स्पेशली जिस दिन क्रिकेट होता था उस दिन एक पॉट ज़रूर टूटता था। और ये अगर ऐसे नहीं टूटते थे तो ये जितने पुराने होते जाते हैं इनकी लेयर अपने आप झड़ने लगती है। तो इसी वजह से मैंने सीमेंट के पॉट यूज़ करने स्टार्ट किए। सीमेंट के पॉट सच में बहुत मजबूत होते हैं, 4-5 साल आराम से चलेंगे। ये भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, क्ले जितना एब्जॉर्ब नहीं करते हैं लेकिन करते हैं, लेकिन इनमें एयर पास नहीं होती है। सीमेंट के पॉट में प्लांट्स तो ठीक ठाक ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ये पॉट्स बहुत भारी होते हैं। लॉजिकली इन पॉट्स का टेरेस या बालकनी पे एज सच लोड नहीं पड़ता है, लेकिन ये हमारे लिए भारी होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ग्राउंड में गार्डनिंग करते हैं या जब हम पॉट्स में गार्डनिंग करते हैं तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ही यही है कि जो ग्राउंड वाले प्लांट्स हैं हम उनको शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन पॉट्स वाले जो प्लांट्स हैं हम उनको कभी भी इधर से उधर रख सकते हैं। लाइक कभी बारिश हो रही है, ठंड बढ़ रही है या धूप बहुत तेज़ है तो हम इनकी पोजिशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन सीमेंट के पॉट बहुत भारी होते हैं और अगर आपके पास बहुत सारे पॉट्स हैं तो इनको शिफ्ट करना या वहाँ की सफाई करना एक बहुत बड़ा टास्क है। इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, हम जो प्लांट्स में पानी देते हैं उसमें वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होता है। वाटर तो एवोपरेट हो जाता है मगर सॉल्ट इन पॉट्स के बाहर जमा हो जाता है। ये देखने में बहुत अजीब लगता है, बल्कि फंगस जैसा दिखता है। ऑल्दो ये प्लांट्स को हार्म नहीं करता है, ईजिली निकल जाता है, लेकिन सीमेंट के पॉट उतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। बल्कि सीमेंट और क्ले, ये इन दोनों ही पॉट्स का लुक काफ़ी ट्रेडिशनल सा होता है, इसलिए मैंने सिरेमिक के पॉट्स ट्राई किए। सिरेमिक के पॉट्स एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होते हैं। आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रखो ये परफेक्ट डेकोर का काम करते हैं, बट ना तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही इनमें एयर पास होती है। लेकिन अगर आप स्मार्टली इनको पानी दोगे और गुड़ाई करते रहोगे तो प्लांट्स तो इसमें ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ये सीमेंट की तरह बहुत हैवी होते हैं। ये क्ले पॉट जितने डेलिकेट नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक बार गिरेंगे तो टूट सकते हैं और प्लस ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो इंडोर प्लांट्स के लिए मैं सेरेमिक पॉट ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इंडोर प्लांट्स एडवर्स कंडीशन में भी बहुत ईजिली सर्वाइव करते हैं। मेरे छोटे से एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं और ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सीमेंट और सेरामिक के जो हैवी पॉट्स हैं ना उनको मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने प्लास्टिक के पॉट्स ट्राई किए। प्लास्टिक के पॉट्स बहुत लाइट वेटेड होते हैं, गिरने से टूटते नहीं हैं और इनको आप अपने अकॉर्डिंग पेंट भी कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन ना ही इनमें वाटर एब्जॉर्ब होता है और ना ही एयर पास होती है। बट आप इसमें जितने चाहे उतने होल्स कर सकते हो। इसमें भी आपको गुड़ाई करनी होगी और सॉइल को चेक करके ही पानी देना है।
आपने इन पॉट्स को जहाँ भी रखा है और वहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने इनको टेरेस पे रखा है, वहाँ पे बहुत तेज़ धूप आती है 10-11 घंटे की, तो ये पॉट्स गर्म हो जाएंगे और रूट्स को गर्म कर देंगे, जो प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल है। आप कितने भी अच्छे प्लास्टिक के पॉट्स ले लो, कुछ टाइम में ये ब्रिटल हो जाते हैं, इनमें क्रैक्स आने लगते हैं। लेकिन ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, इसलिए आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी डेकोरेशन है, लाइक आप चाहते हैं कि आपकी बालकनी और टेरेस बहुत ब्यूटीफुल लगे, तो आप सेरेमिक और प्लास्टिक के पॉट यूज़ करिए। अगर आपकी प्रायोरिटी प्लांट और प्लांट की हेल्थ है, तो आप क्ले और सीमेंट के पॉट्स यूज़ करिए। इस समय मेरे पास ये चारों पॉट्स हैं और मेरे जो बहुत प्यारे प्लांट्स हैं, लाइक तुलसी, एलोवेरा, ड्रैकना, वाइट हिबिस्कस, इन सबको मैंने मिट्टी और सीमेंट के पॉट में ही रखा है। और जो प्लांट मेरे प्लास्टिक और सेरामिक्स में हैं, उनको पानी सिर्फ मैं ही देती हूँ। पहले मैं गुड़ाई करती हूँ, सॉइल चेक करती हूँ, उसके बाद ही पानी देती हूँ। ग्रो बैग्स मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, बट मैं बहुत जल्दी यूज़ करने वाली हूँ और उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।